राज्य सरकार के निर्देशानुसार मधवापुर प्रखंड के बलवा और मधवापुर पंचायत में सरकारी जन कल्याणकारी योजनाओं की जांच की गई, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी राजेश कुमार बलवा एवं अंचलाधिकारी रामकुमार पासवान मधवापुर पंचायत में संचालित योजनाओं की जांच की है। वीडियो ने प्राथमिक विद्यालय मुसारी बलवा पहुंचे, जहां विद्यालय भवन का रंग रोगन का कार्य चल रहा था, शिक्षक मौजूद थे, एमडीएम चल रहा था। जांच के दौरान कई खामियां मिली, जिसे ठीक करने का निर्देश एचएम को दिया गया। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 160 का निरीक्षण किया, जहां बच्चों की कम उपस्थिति मिली, पोषाहार नहीं बन रहा था, सेविका को आवश्यक निर्देश दिए। पुनः जन वितरण प्रणाली विक्रेता बैरवा के सुजीत कुमार यादव और कामेश्वर पासवान की दुकान की जाँच की है, जहाँ स्टॉक और वितरण पंजी समेत अन्य जानकारी हासिल कर निर्देशित किए। इसके अलावा मनरेगा, स्वास्थ्य समेत अन्य योजनाओं की जांच कर कर्मियों को आवश्यक निर्देश देते हुए सुधार लाने की सलाह दी है। उधर अंचलाधिकारी रामकुमार पासवान ने मधवापुर पंचायत के बीरित गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र संख्या 97 का निरीक्षण किया, जहां 40 बच्चे में मात्र 24 बच्चे उपस्थित थे, पोषाहार बन रहा था, सेविका और सहायिका मौजूद थी, पेयजल और शौचालय की सुविधा नदारद दिखी। वहीं उत्क्रमित मध्य विद्यालय मधवापुर का निरीक्षण किया, जिसमें कुल 14 शिक्षक में से 12 उपस्थित थे और 2 सीएल पर थे। नामांकित 428 में 425 बच्चे उपस्थित मिले, एमडीएम चल रहा था। इसके अलावा गणपति ट्रेडर्स में उर्वरक की जांच की है, जहां स्टॉक शून्य पाया गया। वार्ड 6 में नल जल योजना की जांच की, जिसमें 15 से 20 परिवारों को योजना का लाभ नहीं मिलने की बात सामने आई। इसी तरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी निरीक्षण किया, जहां चिकित्सक और कर्मी मौजूद थे, सांप काटने की दवा समेत आपातकाल सुविधा संतोषजनक था। सीओ श्री पासवान ने आवास, पंचायत भवन, कार्यालय, मनरेगा समेत अन्य योजनाओं की जांच कर आवश्यक निर्देश दिए। जांच के दौरान राजस्व कर्मचारी रविकांत, सूरज कुमार भारती, अनिल कुमार, मनरेगा जेई रविशंकर समेत अन्य कर्मी मौजूद रहे। नहीं, जैसे भी नहीं है नीचे। अभी इसमें काम किया है? हाँ? इसमें आप भी काम किया है? जी। हाँ? क्या नाम? फरीदा खाते। फरीदा खाते। अच्छा, पैसा ऐसा मिला? नहीं, अभी नहीं मिला। हाँ? अभी नहीं मिला। कितने का है मतलब? दिखाइए। फरीदा खाते में देखिए तो। कितना मट्टी है लेना? कितना दिन पहले काम है? 4-5 महीना पहले हो गए, पहले जेठे में माटी लिया। सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास। बंगाल गोल्ड टी चाय, एक अनोखा मिश्रण, कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास। बंगाल गोल्ड टी। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।